दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्या है क्वेश्चन, 2 1/2 है प्लस 3 1/4 है प्लस स्लैश हमारा क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है प्लस 2 1/3 इक्वल टू में क्या है 13 5/12 है। तो ये हमारा मिश्रित भिन्नों में है, ठीक है। तो हम इन भिन्नों को पहले इन फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। तो इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता होना चाहिए, इंटू होते हैं आपस में, 2 इंटू क्या होता है 2 होता है और जो ऊपर है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 2 2 4 हो जाएगा 1 + 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ये 2 नीचे ऐसे रहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी होगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 की टेबल हमें 3 तक बोलेंगे 12 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 13/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं ये निकालना, तो इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। प्लस 3 2 6 और 1 7/3, ये ठीक है भाई। अब ये बराबर का साइन है, बीच में बराबर का लाइन है, अब इन दोनों को इंटू कर दो तो 12 × 3 कितना होता है, और 13 कितना होता है, 3 2 6 और 3 1 3, 1 2 2 1 1 1 6 5 1, और हमें प्लस करना 11 6, तो कितना रहा 1 6 1/12, इन दोनों को इंटू करना ये प्लस होगा भाई, ठीक है। कितना रहा ये आ रहा, हमने करके देख लिया ये हुआ। अब देखो भाई, अब हमारा यहाँ देखो ये अपॉन में, तो हम पहले इसको क्या अपनी सरलता के लिए क्या 2 + 13/4 + 7/3 और ये एक्स को हम पीछे कर सकते हैं। एक्स से हमें अभी कोई लेन देन, हमें इतना सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने इतना सॉल्व करना है हमें इसको, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इनका एलसीएम लेंगे, तो कितना आ रहा 2 4 3 भाई, एलसीएम आएगा 2 4 3। हमें वो नंबर ढूंढना होता है जिसमें तीनों को टेबल चली जाए, तो अगर मैं जाऊँ सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा, 12 आ रहा, कौन सा नंबर आ रहा मुझे ये नंबर देख, हम एलसीएम का मतलब क्या था, लॉस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो नंबर देखना होता है सबसे पहले तीनों के टेबल में आ जाए, सबसे पहले 12 आ रहा, ठीक है। 4 3 12, 3 4 12 और 2 6 12, 2 4 में तो 4 भी आ रहा है लेकिन 3 में 4 नहीं आता, ठीक है। तो 12 इसका एलसीएम हो गया। अब इससे इसको करना है डिवाइड, 2 से इसको क्या करना है डिवाइड, तो 6 टाइम जाएगा 2 6 12 × 5, ठीक है। अब ये प्लस का साइन है तो प्लस, 4 का इससे डिवाइड करना कितने टाइम जा रहा 3 × 13, प्लस का साइन है तो प्लस, 3 का इससे करो तो 4 × 7, ठीक है। और ये एक्स है और पीछे 1 61/12, तो वैसी है। अब इसको करो 5 6 30 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा और 4 7 28/12, ठीक है। ये एक्स ये पूरा फिर वैसे ही रहेगा यहाँ तक, तो अब इनको प्लस कर दो, ठीक है। 30 39, ये 30 ऊपर 39 और 28, 9 8 कितना 7 हो जाएगा, कैरी 1 3 3 6 8 1 9 कितना आ रहा पूरा में लगे 97/12 प्लस एक्स, अब ब्रैकेट खुल जाएगा प्लस एक्स 1/12। अब यहाँ कुछ हो नहीं सकता, ये एक्स के साथ ये प्लस हो नहीं सकता, इसको हम कहाँ ले जाएंगे इक्वल, ये बराबर का साइन है इसको ले जाएंगे पीछे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 61/12 है ये, अब माइनस यहाँ ये प्लस में पीछे जाके क्या हो जाएगा माइनस 97/12 हो जाएगा। अब यहाँ हमने देखो, यहाँ हमने एलसीएम क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या थे, हर क्या थे अलग अलग थे, यहाँ तो सेम है, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सेम है, तो इसको सीधे 161 से 97 को क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। 11 में से 7 गया 4, यहाँ बच्चा 5, और 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये आया 6/12, ठीक है। ठीक कर रहा ना मैं, 11 में से अगर 4 बचेगा, यहाँ 15 बच्चा, 15 में से 9 गया तो कितने बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो यही आंसर रख सकते हैं, आपको चाहे मिश्रित में करना है तो मिश्रित में आपको निकाल सकते हैं, उससे आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा 64 को, तो 12 × 5 कितना होता है 60 होता है, कितना बचा हमारा 4। अब देखो हम इसको मिश्रित ऐसा मिश्रित में कह लेते हैं, ये वाला 12 तो नीचे रहता, हमारा जो ये आया क्या आया रिमाइंडर शेष फला, ये ऊपर चला जाता, ठीक है। और ये 5 कहाँ जाता, यहाँ जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा x के x बराबर हमारा ये आ गया। थैंक यू।